हाय एवरीवन, आज हम कर्ड राइस बनाएंगे जो कि घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से हम आसानी से बना सकते हैं। कर्ड राइस एंड थोड़े बहुत लाइट स्पाइसेस है और ये हम कम से कम ऑयल में और कम से कम टाइम में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। कर्ड राइस खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं और स्टमक के लिए भी लाइट होते हैं। आज हम इजी रेसिपी बनाएंगे जो 5 मिनट के अंदर तैयार हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल लिया है कढ़ाई में। ऑयल के हल्का सा गर्म होते ही ये सभी चीज़ों को हमें टर्न बाय टर्न ऐड कर लेना है। सबसे पहले मैं ज़ीरा, राई एंड तिल को ऐड करूँगी। तीनों के हल्का सा क्रेकल होते ही मैं करी लीव्स एंड ग्रीन चिली, पीनट्स सभी को ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। मैंने पीनट्स के साथ सींग चने वाले चने लिए हैं। अगर आपके पास सींग चने वाले चने नहीं है तो आप चना दाल भी ले सकते हैं। और कर्ड राइस में हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है तो मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है ताकि ये क्रिस्प हो जाए और हमें कर्ड राइस इंजॉय करने में मज़ा आए। कर्ड राइस रेसिपी बनाना बेहद ही आसान है। हमारे घर में जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे भी हम बना सकते हैं। बॉईल किए हुए राइस एंड कर्ड सभी के घरों में अवेलेबल होता है। पीनट्स, चना दाल, राई, ज़ीरा, करी लीव्स, ग्रीन चिलीज वगैरह। 3 से 4 मिनट के बाद सभी चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, क्रिस्प हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर लेती हूँ। आई कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और रोस्ट की हुई पीनट्स की, चना दाल की, रेड चिलीज की। मैंने 1/2 कप दही और पोमोग्रेनेट को रेडी करके रखा है। पोमोग्रेनेट कर्नल्स ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। कर्ड में मैं थोड़ा सा मिल्क को ऐड कर रही हूँ और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क ऐड करके दही को थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे और हल्का सा सॉल्ट ऐड करके इसे हम सीजन कर लेंगे। ये डिश के लिए या तो हमें स्टीम राइस लेने हैं या तो बॉईल किए हुए राइस लेने हैं। तो ये मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से राइस को स्टीम कर लिया है। आपको जो क्वांटिटी में बनाना है वो क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैं कर्ड एंड मिल्क जो हमने मिक्स करके रखा है उसे मैं ऐड करूंगी और दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। रात के डिनर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्रंची, डिलीशियस एंड फिलिंग। रोस्टेड करी लीव्स, पीनट्स, चना दाल, होल रेड चिलीज, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि फ्लेवर्स आपस में घुल मिल जाए और हम इसे अच्छे से इंजॉय कर पाए। फॉर अ चेंज आप होल रेड कश्मीरी चिली का एक बाइट भी ले सकते हैं कर्ड राइस की स्पून के साथ, बहुत ही डिलीशियस लगती है ये। थोड़ा सा पोमोग्रेनेट सीड्स एंड कोरिएंडर लीव से मैं गार्निश कर लेती हूँ। ये बहुत ही अपीलिंग एंड ब्यूटीफुल लगता है। ऑलवेज वी ईट फर्स्ट फ्रॉम आवर आइज एंड देन फ्रॉम आवर माउथ एंड नॉट ओनली फॉर द लुक बट हेल्थ के लिए भी पीनट्स एंड पोमोग्रेनेट बहुत ही हेल्दी होता है एंड दैट क्रंच वी गेट इन आवर माउथ व्हेन वी ईट बोथ द थिंग्स टुगेदर, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये। आई होप यू ऑल विल लाइक माई कर्ड राइस रेसिपी और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। इफ़ यू आर ट्राइंग प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट्स। चलिए हमारे कर्ड राइस को मैं इंजॉय करती हूँ। हमारे कर्ड राइस बहुत ही हेल्दी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। पोमोग्रेनेट, पीनट्स, करी लीव्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद आए तो आपके फीडबैक आप प्लीज़ कॉमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।